नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादुरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराशिष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वा नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, इसलिए जिस प्रकार से मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, वह उपाय आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमयात्मवान। हे अर्जुन, वेद में तीन कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। त्रिकांडमयो वेदा,
ये तीन कांड रूप संपूर्ण वेद है। इसमें जो कर्म कांड है वो तीन गुणों से बने हुए संसार को ही बताता है। इस लोक या परलोक के भोगों का और उनकी प्राप्ति का जो साधन है ये सब कर्म कांड में बताया गया है, ये प्रथम कांड में बताया गया है। अर्जुन, अब तुम्हारा कर्म कांड निष्काम कर्म करने से और भक्ति करने से पूर्ण हो गया है, इसलिए तीन गुण से बना हुआ यह संसार है, इसलिए संसार को त्रिगुण कहते हैं। तो तीन गुणों का प्रकाशक जो कर्म कांड है उसको तुम त्याग करो, निस्त्रय गुणो भव, निस्त्रय गुण हो जाओ माने तीनों गुणों से ऊपर उठो, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, निर्द्वंद सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सुख दुख इनको द्वंद कहते हैं, इन द्वंद्वों से रहित होकर के नित्य सत्वस्थो जो नित्य वस्तु है उसमें स्थित हो। तो नित्य जो है वो आत्मा या परमात्मा ही है। देही नित्यम अबध्ययम, देह तो अनित्य है पर देही नित्य है, तो उसी नित्य वस्तु में तुम स्थित हो, नित्य सत्वस्थ हो। और निर्योग क्षेम, और योग क्षेम की चिंता ना करो, शरीर निर्वाह के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी भी चिंता ना करो, उनकी रक्षा की भी चिंता ना करो, निर्योग क्षेम और आत्मवान आत्मपरायण हो, अपने स्वरूप में स्थित हो। यावान अर्थोद पाने सर्वतः संप्रतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। हे अर्जुन, जो ब्राह्मण इस आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व को जान लेता है उसके लिए और वेदों का कुछ प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि कर्म और उपासना से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब ज्ञान कांड से प्राप्त हो जाता है। जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जो छोटे जलाशय का काम है वो बड़े जलाशय में पूरा हो जाता है, घट में भरा हुआ जो जल है वो छोटा जलाशय है और गंगा जल गंगा जी वो बड़ा जलाशय है। तो घट जल से तो केवल पानी पीने का ही काम चल सकता था और कूप के जल में भर करके स्नान भी कर सकते थे, परंतु गंगा जी के प्राप्त हो जाने पर तो पानी पीने का काम स्नान पीने का काम सब कुछ पूरा हो जाता है, तो छोटे जलाशय की कोई आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। तो जो भी छोटे जलाशय का काम है वो बड़ा जलाशय के प्राप्त हो जाने से सब पूर्ण हो जाता है। आत्मा अर्जुन आनंद का सिंधु है, तो आनंद सिंधु आत्मा के मिल जाने से जितने संसार के जो सुख हैं वो सब प्राप्त हो जाते हैं। वो सब छोटे छोटे सुख हैं, विषय सुख जितने भी हैं वो बहुत अल्प हैं और आत्मानंद के केवल प्रतिबिंब रूप हैं। तो जब आत्मानंद की प्राप्ति होती है तो प्रतिबिंब तो सारे प्राप्त ही हो गए, क्योंकि आत्मा के ही प्रतिबिंब है, आत्मा एक है और प्रतिबिंब रूप जो आनंद है वो अनेक है।
परंतु एक बिंब रूप आत्मा के प्राप्त होने पर सारे प्रतिबिंब रूप आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जितने ज्ञान हैं बुद्धियों में वो भी चेतन आत्मा के आभास रूप हैं। आत्मा के जान लेने से ये सब आभासों की प्राप्ति अपने आप हो गई। इसी प्रकार से जितने ये शरीर हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सतरूप आत्मा की छाया मात्र हैं। तो जैसे पुरुष की प्राप्ति हो जाने से छाया स्वतः ही प्राप्त हो जाती, एक पुरुष को पकड़ लो छाया सब की सब पकड़ी गई। तो हे अर्जुन, अपना आत्मा जो है वो बड़े जलाशय के समान है और बाकी सब छोटे जलाशय के समान है। थोड़ा थोड़ा सुख है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी सत्यता है संसार में, थोड़ी सत्यता है, क्योंकि छाया रूप है। छाया सत्य नहीं होती है, विनाशी होती है, उत्पत्ति नाश होता है। ऐसे जो विषय सुख है, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो सुख होता है वो प्रतिबिंब रूप होने से विनाशी है, अविनाशी नहीं, आत्मानंद अविनाशी है। और जितने बुद्धियों में ज्ञान है आत्मा का आभास होने से वो भी विनाशी है, और आत्मज्ञान वो सत्य है, अविनाशी है। इस प्रकार इसीलिए तू आत्मानुभव निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसलिए निर्द्वंद्व हो, चिंता फिकर से रहित होकर के और नित्य सत्य वस्तु में तू स्थित हो, आत्मपरायण हो, क्योंकि सदरूप चिदरूप आनंद रूप एक आत्मा ही है। आत्मा दो नहीं है अर्जुन, आत्मा एक ही है। जितने भी संसार के शरीर हैं उन सब में बैठ के देखने वाला एक ही चेतन आत्मा है, वो ज्ञान रूप है। बहुत ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है। उसी ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। और सारे संसार के देहों में बैठकर वही देख रहा है। इसलिए ज्ञान 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 सब शरीरों में एक ही है, दो ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए सब लोग कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो ये जो मैं नामक तत्व है वो ज्ञान तत्व है, क्योंकि देखना तो ज्ञान में ही बनता है, और ज्ञान से भिन्न सब अज्ञान है। अज्ञान देख नहीं सकता, ज्ञान ही देख सकता है। तो ज्ञान से भिन्न सब अज्ञान है, सारा संसार अज्ञान का कार्य है, अज्ञान रूप है। ज्ञान नामक तत्व तो एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। अर्जुन वही हमारा तुम्हारा सभी जीवों का स्वरूप है, वही देखता है, दूसरा दृष्टा है नहीं। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणो दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ हैं। जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, सत्चित आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, और जो दृश्य है वो माया है, असत जड़ दुख रूप, ये माया का स्वरूप है। अब तीसरा कोई पदार्थ नहीं है, दृष्टा और दृश्य से भिन्न तीसरा पदार्थ। चाहे हजारों वर्ष बुद्धि से विचार करो और शास्त्र पढ़ो, तीसरा पदार्थ निकलेगा ही नहीं। अर्जुन, इन दोनों में दृष्टा तो मैं ही हूं, तो बाकी सब दृश्य है, तो तीसरा और कुछ है नहीं। इतना ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। जो दृष्टा है वो स्वभाव सिद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है,
और जो दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप माया है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्म एक अद्वितीय है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। अर्जुन, देव एक, देखने वाले को देव कहते हैं, देवतना देवा, तो एक ही देव है और ये सब शरीर रूपी मंदिर हैं। देहो देवालय प्रोक्ता और सजीवा केवल शिवा, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजये। अर्जुन, देहो देवालय प्रोक्ता, जितने भी देह हैं, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, जो भी दिखाई पड़ते हैं वो देह हैं, सो ये देवालय हैं, ये सब मंदिर हैं। इन सब मंदिरों में देव तो एक है, देखने वाला एक ही है, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि मैं देखता हूं, क्योंकि देखना देव में ही है, मंदिर में नहीं। ये तो शरीर देवालय है, ये नहीं देखता। और ये जितने भी आकार हैं, स्त्री पुरुषों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, ये सब मंदिरों के आकार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, अनेक प्रकार के आकार वाले ये सब देवालय मंदिर ही मंदिर है। तो सभी मंदिरों में बैठा हुआ एक ही देव देख रहा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और सभी भूतों के भीतर बैठकर देखने वाला गूढ़ है, माने गुप्त है, छिपा हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ता है देव, क्योंकि दिखाई पड़ने वाला तो दूसरा देवालय दस ही हो गया, शरीर देह, और देखने वाला एक ही है, सो ज्ञान रूप है, इसलिए ये दृष्टा देव गुप्त ही रहता है। प्रगट तो देह है और ये अब प्रगट ही रहता है, क्योंकि जो दृश्य होगा वो जड़ होगा, ज्ञान रूप होगा, और ये चेतन देव दृष्टा ये जड़ हो नहीं सकता, अज्ञान रूप हो नहीं सकता है, दिखाई पड़े तो अज्ञान रूप हो जाएगा, इसलिए देव दिखाई नहीं पड़ता, देखता है। अदृष्टो दृष्टा, दृष्टा सदा ही अदृष्ट रहता है, और दृश्य जो देह है ये देख नहीं सकते, इनमें ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान रूप है, और जो शरीर देह के भीतर बैठ के देखने वाला है वो ज्ञान रूप है। ज्ञान कभी भी दृश्य नहीं होता, और ज्ञान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, और जो दृश्य देह है ये सब आकारवान है, अनेक आकारों के ये देवालय बने हुए हैं, देह बने हुए हैं, मनुष्यों का आकार, पशुओं का आकार, पक्षियों का आकार, मक्खी मच्छरों का आकार, ये भी छोटे छोटे मंदिर ही हैं, तो सबके भीतर देव एक ही व्यापक है, सब देख रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपना आत्मदेव जो है वो स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप अविनाशी है, कुछ करना नहीं है, जो स्वभाव सिद्ध सत है उसका नाशक कोई नहीं है। तुमने कहा अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, सो हे अर्जुन, भला अज्ञान हमारे ज्ञान स्वरूप का नाश कैसे करेगा, किंतु नहीं कर सकता। अज्ञान को तो ज्ञान नहीं ना है, वो तो दृश्य बन के रहेगा, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा का नाश करने में, ज्ञान स्वरूप आत्मा का नाश करने में अज्ञान समर्थ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान तो एक छाया के समान है,
और ज्ञान पुरुष के समान है। छाया तो दस होती है और ज्ञान पुरुष है, वो दृष्टा होता है। तो ये शरीर जितने भी हैं ये छाया के समान दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे छाया पुरुष से उत्पन्न होती है और पुरुष ही छाया को देखता है और पुरुष के आश्रित ही छाया रहती है, अलग होकर नहीं रह सकती। पुरुष से उत्पन्न होती है, पुरुष के आश्रित रहती है और पुरुष में फिर लीन हो जाती है। अब पुरुष तो अविनाशी है। ऐसे ही अर्जुन, ये जो हमारा तुम्हारा ज्ञान तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व है, ये पुरुष है। और जितना ये दृश्य संसार शरीर है ये सब छाया के समान है। हमारे तुम्हारे चेतन पुरुष के आश्रित इसका प्राकट्य होता है और हमारी तुम्हारी देख रेख में ही ये रहता है। हम ही तुम देखते हैं इसको, फिर आत्मा में ही लीन हो जाता है। आत्मा तो सत्य वस्तु, जैसे पुरुष रह जाता है से छाया उत्पन्न होती है, बढ़ती है, घटती है, फिर पुरुष में लीन हो जाती। यही हाल सब शरीरों का है। इनको ज्ञान नहीं, इसलिए छाया समान है। अर्जुन इसी को माया भी कहते हैं, इसीलिए इसको माया कहते हैं कि छाया के समान है। तो भला छाया भी कहीं पुरुष का नाश कर सकती है? जो पुरुष से उत्पन्न होती है, पुरुष के आश्रित रहती है, पुरुष में लीन होती है, स्वयं उत्पत्ति विनाशवान है। ऐसे अर्जुन ये माया, ये अज्ञान को माया कहते हैं। जैसे छाया को ज्ञान नहीं, ऐसे ही माया को ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। तो अर्जुन, अज्ञान हमारे तुम्हारे स्वभाव का, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का नाश कैसे कर सकता है, बताओ? ये भ्रांति है कि अज्ञान ने हमारे तुम्हारे स्वरूप का नाश किया है। बिना समव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतु अर्जुन, इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न सब छाया रूप ये संसार है, माया है। तो स्वयं उत्पत्ति विनाशवान। तो हमारे तुम्हारे देखते देखते इस संसार की उत्पत्ति होती है, हमारी देख रेख में ये इसकी स्थिति है और हमारे देखते देखते इसका अंत भी हो जाता है। जागृत का संसार, स्वप्न का संसार, ये सुसुप्ति रूपी अज्ञान से निकलता है। सुसुप्ति को, गाढ़ निद्रा को ही अज्ञान कहते हैं, क्योंकि घोर अज्ञान अंधकार रूप है गाढ़ निद्रा। उसी से स्वप्न और जागृत का संसार उदय होता है और फिर उसी में लीन हो जाता है, हमेशा नहीं रहता। और जो दृष्टा चेतन हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, ये तो उत्पन्न होता नहीं, इसका नाश भी नहीं होता। देखो, हम जागृत को भी देखते हैं, स्वप्न को भी देखते हैं, सुसुप्ति को भी देखते हैं, परंतु जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तो अज्ञान रूप होने से किसी को देखते नहीं है, उत्पत्ति विनाशशील है। इसलिए अर्जुन, जो स्वयं उत्पत्ति विनाशशील हैं, वो हमारे तुम्हारे अविनाशी आत्मा का नाश कैसे करेंगे? किंतु नहीं कर सकते। इसलिए इस भ्रम को निकाल दो हृदय से। मेरा जन्म मरण होता है, जन्म मरण देह के होते हैं। सो देह तो निद्रा से उत्पन्न होते हैं, स्वप्न के देह और जागृत के देह, यही दो देह हैं। स्वप्न के सूक्ष्म देह, जागृत के स्थूल देह, सुसुप्ति में ये लय हो जाते। आत्मा तो न उत्पन्न होता है देखने वाला, आत्मा न उत्पन्न होता है न लय होता है। तो स्वयं उत्पत्ति विनाशवान ये संसार, ये अज्ञान हमारा तुम्हारा नाश कैसे कर सकता है? किंतु नहीं कर सकता है।
आत्मा का नाशक कोई भी नहीं है। कोई का मतलब यही दृश्य माया, आत्मा से भिन्न ये दृश्य माया ही है जो छाया के समान उत्पत्ति नाशवान है। और छाया का कोई अर्थ नहीं होता अर्जुन, छाया तो एक शून्य वस्तु है। शून्य का क्या अर्थ होता है? शून्य माने कुछ नहीं, यही अर्थ होता है। इसी प्रकार से छाया माने कुछ नहीं। पुरुष तो सत्य वस्तु है, उसका तो अर्थ है, परंतु छाया का अर्थ तो कुछ नहीं होता है। छाया माने कुछ नहीं, वो तो खाली प्रतीति होती है, वो भी हमको तुमको। छाया को तो ज्ञान नहीं, हम ही तुम छाया को देखते हैं, हम तुम न देखें तो छाया कहाँ है? क्योंकि ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है और ज्ञान तो ज्ञान के द्वारा सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध नहीं। तो ये अज्ञान रूप जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, स्वयं सिद्ध नहीं। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वयं सिद्ध है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। अर्जुन जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है, माने देखता है, जानता है, वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय जिसके हृदय में है, वो सर्वबंधैः प्रमुच्यते, वो सभी बंधनों से छूट जाता है। उसको कोई बंधन नहीं है, जन्म मरण का ही बंधन है। स्वात्मा का न जायते म्रियते एव कदाचित्, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है, तो आत्मा को बंधन कहाँ है? स्वभाव से ही ये मुक्त ही है। बंधन न होने से मुक्त भी क्या? अज्ञान से अपने को बंधन जानता था, इसलिए ज्ञान से मुक्त होता है। सचमुच में बंधन नहीं। तो ये भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। और सब जितने जीव हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है, माने मैं ही सब शरीरों में जीव रूप से बैठ के देख रहा हूँ, दूसरा दृष्टा है नहीं। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानो, न कोई बंध है न कोई मोक्ष है। बंध मोक्ष से हमेशा छूटा हुआ है, जन्म मरण आदि बंध है सो आत्मा में है नहीं। और ये दृश्य ही जन्मता मरता है। और जन्मता मरता क्या है? सुसुप्ति में मान लो लय हो गया और जागृत स्वप्न में उदय हो गया, और यही संसार का भी जन्म मरण ऐसा है, माया का है। तो माया से जो चीज होती है उसका सचमुच में उसका जन्म मरण क्या? अरे अज्ञान से निकल पड़ा और फिर अज्ञान में लीन हो गए। ये संसार का भी जन्म मरण भ्रम रूप ही है, ये माया का खेल ऐसा ही है, प्रकट हो जाना और फिर छिप जाना, उसी को माया कहते। तो सज्जनों, अपने मन में ये भगवान के वचन दृढ़ विचार करके धारण करो और अपने को सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानो। आत्मा में कोई कर्म नहीं है, सब देह इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म है, दृश्य में ही कर्म है, आत्मा अकर्म है। इसलिए दृष्टा साक्षी बन के रहो, देखते रहो। जब तक प्रारब्ध का शरीर है तब तक के ये छाया रूप दृश्य को देखते रहो, ये छाया रूप दृश्य से अपना कोई हानि लाभ नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।